हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल फ्लेम बेस्ट। तो गाइज, आज की जो वीडियो होगी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। गाइज, ये जो मॉड्यूल चल रही है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर, ये सिक्स मॉड्यूल है जो की आप लोग देख रहे हो गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गाइज, बेसिकली गूगल एनालिटिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताया हुआ हूँ गूगल एनालिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक से फीचर्स, उस बेसिक से इन्फॉर्मेशन जो की प्रायोरिटी नॉलेज आप लोग को देने वाला है गूगल एनालिटिक्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाऊंगा और देखाऊंगा कैसे आप लोग गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप लोग की जो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो बहुत दो तीन स्टेप यूज करके, और उसके बाद वो जो कोड मिलेगी कैसे कोड मिलेगी और कहां आप लोग को पेस्ट करना पड़ेगा उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को देने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग हर दिन आपके लिए जेन्युइन और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सिंपल आपको जाना पड़ेगा आपकी ब्राउजर के अंदर। जैसे ही ब्राउजर के अंदर जाओगे, यहाँ पे आप लोग को सिंपल ऐड करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स। और जैसे ही गूगल एनालिटिक्स सर्च करोगे तो यहाँ पे आप लोग को ये जो फास्ट लिंक देखने को मिल रही है ना, इसके ऊपर आप लोग को सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह एंटर करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको आपकी जो ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट करना पड़ेगा, और उसके पासवर्ड यहाँ पे आप लोग को एंटर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, तो जैसे ही आपने आईडी और पासवर्ड देके एंटर करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आ जाएगी। सिंपल यहाँ पे आप लोग को सेटअप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो टाइटल है यहाँ पे मैंने ऐड करा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, बेसिकली आप लोग को तीन स्टेप दिया जाएगा, जिस स्टेप को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप लोग की जो गूगल एनालिटिक्स जो ओपन हो जाएगी, अकाउंट ओपन हो जाएगी, और आप लोग को एक ट्रैकिंग कोड मिल जाएगी जिसके मदद से आप लोग आपकी जो वर्डप्रेस हो या ब्लॉगर के अंदर पेस्ट करके आप लोग जो ट्रैफिक को आप लोग ट्रैक कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग की जो वेबसाइट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। तो ये जो नेम के बाद आप लोग को सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि प्रॉपर्टी नेम। यहाँ पे मान लो मैं उसी सेम नेम को यहाँ पे ऐड करता हूँ, और आप लोग की जो कंट्री को यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करा, और उसके बाद करेंसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 100 एडवांस ऑप्शन के ऊपर अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो गाइस देखो, ये लास्ट स्टेप है। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे, जो भी चीज़ें ऐड करोगे, इस तरह से आप लोग की जो एनालिटिक्स अकाउंट है वो ओपन हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग की जो कैटेगरी है यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि इंटरनेट एंड टेलीकॉम। सिंपल उसे सिलेक्ट करा, उसके बाद बिजनेस साइज, आप लोग की जो बिजनेस साइज कितनी है, सिंपल मतलब स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, वेरी लार्ज, जो भी है यहाँ पे आप लोग उसे सिलेक्ट करो। तो ये जो ऑप्शन रहा आप लोग की जो इंटेंट किया है गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे सिंपल आप एनालाइज माय ऑनलाइन सेल किया, जो भी चीज़ है यहाँ पे ऐड करना चाहो तो बेसिकली ऐड कर सकते हो। तो सिंपल मैंने यहाँ पे तीन चीज़ों को यहाँ पे ऐड करा, और उसके बाद क्रिएट के ऊपर सिंपल आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग की जो आप लोग की कंट्री को यहाँ पे आप लोग सिंपल सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी, और यहाँ पे आप लोग उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है सिंपल उसे रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल टिक करना पड़ेगा, उसके बाद आई एक्सेप्ट के ऊपर सिंपल आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों ने आई एग्री के ऊपर क्लिक करा, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पे आप लोग की जो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप लोग को इस तरह की एक इंटरफेस मिलेगी। सिंपल आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हो बेसिकली वही प्लेटफॉर्म को यहाँ पे ऐड करो। आप लोग यहाँ पे आप लोग को सिंपल कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग की जो अकाउंट कम्प्लीटली ओपन हो जाएगी। तो सिंपल हम लोग हमारी जो साइट को यहाँ पे ला के ऐड करते हैं, तो आप लोग की जो वेबसाइट की लिंक यहाँ पे आप लोग को पेस्ट करना पड़ेगा सिंपल, और उसके बाद जो भी ये चीज़ें हैं आप लोग को हटा देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हो जाने के बाद यहाँ पे बेस्ट एफिलिएट प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो, इसे कॉपी करके यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने ये दोनों को सिलेक्ट करके क्रिएट टीम के ऊपर क्लिक करा, और
मतलब स्ट्रीम वो कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे सारी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखो डाटा स्ट्रीमिंग के ऊपर हम लोगों ने अभी ये जो वेबसाइट पर ऐड करा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा स्ट्रीमिंग के ऊपर यहाँ पे आप लोग को हमारी वेबसाइट देखने को मिलेगी। सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी ग्लोबल साइट टेक, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने देखने को मिलेगी ये जो गूगल एनालिटिक कोड को, तो सिंपल आपको उसे कॉपी करो। जैसे ही कॉपी करोगे आप लोग जा सकते हो आप लोग की साइट के वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉगिन के सेक्शन के अंदर जाओ। मैं आप लोग को दो तरीका बताऊंगा, जैसे कि आप लोग आपकी वेबसाइट के अंदर मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कैसे आप लोग कोड पेस्ट कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आप लोग, मैं एक प्लॉगिन यूज़ कर रहा हूँ जो कि इंसर्ट हेडर फुटर, मैं उसे एक्टिव कर रहा हूँ। देखो बेसिकली आप लोग अगर आपके पास है ये प्लॉगिन तो आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेटिंग के ऊपर गया और इंसर्ट हेडर फुटर, यहाँ पे देखो आप लोगों को ये सिंपल कह रहा है कि आप लोग जाके हेड के अंदर इसे पेस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। सिंपल यहाँ पे आप लोग हेड के ऊपर एक कोड को पेस्ट कर दो, उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करो। तो जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सेटिंग सेव्ड ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं तो आप लोग ये भी कर सकते हो, आप लोग अपेयरेंस के अंदर जाओगे थीम सेक्शन, यहाँ पे थीम एडिटर, सिंपल थीम एडिटर के ऊपर क्लिक करोगे। थीम एडिटर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राइट साइड के अंदर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगी जो कि है हेडर डॉट पी एच पी करके, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करो। क्योंकि हम लोग को वो कोड पेस्ट करना है हेडर के अंदर, तो सिंपल इस हेडर डॉट पी एच के ऊपर आप लोग को सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की जो कोड ओपन होकर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आप लोग हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, सिंपल उसके यहाँ पे जो है ना आप लोग को एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो कोड को पेस्ट करना पड़ेगा, ओके, जो कोड यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करा था, और उसके बाद अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही फाइल के अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करोगी तो आपकी जो कोड होगा वो अपडेट हो जाएगा और ऐड हो जाएगी, ओके। ये दो मेथड है जो कि आप लोग वर्डप्रेस के अंदर आप लोग की जो कोड को पेस्ट कर सकते हो, कोई भी कोड हो। अगर आप को हेडर सेक्शन के अंदर पेस्ट करना हो, बॉडी के सेक्शन के अंदर पेस्ट करना हो, या आप लोग को फुटर सेक्शन के अंदर पेस्ट करना हो, सिंपल अगर आप चाहते तो ये जो प्लगइन ही यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे आके उसे पेस्ट भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉगर के अंदर वो ऐड करेंगे। तो देखो अगर ब्लॉगर के अंदर आप लोग पेस्ट करना चाहते हो वो कोड को, तो सिंपल यहाँ पे थीम के सेक्शन के अंदर आना पड़ेगा। जैसे थीम के सेक्शन के अंदर आओगे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एडिट एचटीएमएल के ऊपर आप सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो कोड देखने को मिलेगी ना, यहाँ पे हेडर, यहाँ पे सिंपल उसे वो कोड आपने पेस्ट करना है यहाँ पे, ओके। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको को सेव के ऑप्शन देखने को मिलेगी, सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोसेसिंग, और जैसे ये सेव हो जाएगी यहाँ पे देखो अपलोड सक्सेसफुल, अपडेट सक्सेसफुल हो चुकी है। और अभी हम लोग अगर इस साइट को विजिट करेंगे ना, यहाँ पे आप लोग व्यू ब्लॉग के ऊपर मैंने क्लिक करा और ये देखो मैं अभी बैक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आप लोगों ने रियल टाइम के अंदर देख रहे होगी जो कि यहाँ पे एक ट्रैफिक आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने वो साइट को ओपन करा था, ये साइट के अंदर हम लोगों ने आ चुके हैं। जो कोड हम लोगों ने पेस्ट करा था उसी कोड के हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ही ट्रैफिक इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। सिंपल गाइज आप लोग इस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स की जो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, इस तरह से आप लोग कोड वगैरह पेस्ट कर सकते हो। अगर कोई भी कोड वगैरह पेस्ट करने से कुछ भी एरर वगैरह आती है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसकी जरूर रिप्लाई देंगे। और यहाँ पे आप लोग जो अकाउंट क्रिएट करने के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी ऑप्शन आप लोग को देखने को नहीं मिलती है ना, सिंपल आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसका भी रिप्लाई करेंगे और आप लोग की जो प्रॉब्लम होगी उसे सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। तो गाइज देखो ये था कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे आप लोग आपकी जो गूगल एनालिटिक्स की जो अकाउंट को ओपन कर सकते हो, और उसके साथ ही आप लोग कैसे गूगल एनालिटिक्स की जो कोड को आप लोग कैसे वर्डप्रेस के अंदर हो या आप लोग कैसे ब्लॉगर के अंदर हो पेस्ट कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोग को दी है। गाइज
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक जेन्युइन और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।